beep. हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ जोधपुर वाया ट्रेन, और आज का सफ़र रहेगा एक नॉर्मल डिब्बे में। वो क्यों, वो कहानी मैं आपको डिब्बे में जाके बताऊंगा। ये मेरा ट्रेन नंबर और B5, मेरा है कोच S5। S5 ढूंढना पड़ेगा, S5 ढूंढना, नॉर्मल डिब्बा बिना AC वाला, कमाल की बात है। S6 ये रहा और S5 ये तो यहीं कहीं आएगा अपना डिब्बा, और ट्रेन भी लगता आ गई। वो आ रही है ट्रेन। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। यात्रीगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। S5 अपना कोच आ गया गाइस। ये है दिल्ली सराय रोहिला से चल के यहाँ से चढ़ेंगे गुड़गांव, पटौदी, रेवाड़ी, मेंदरगढ़, लोहारू, सादलपुर के रास्ते जोधपुर को जाने वाली बाइक 421 तालेसर सुपरफास्ट गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। यात्रीगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कमाल है, कोई खोल ही नहीं रहा, वो खुदा ये दरवाजा ही बंद कर रखा है, किसी ने खोल नहीं रहा। और ये बाई नंबर अपर सीट है गाइस मेरी। तो कहानी ये है कि गाइस मैं था अमृतसर में, जिन्होंने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो उनको पता ही है। तो मैं अमृतसर में था और एक शूट आया था जोधपुर के लिए, जो जोधपुर जाना था हमें शूट करने के लिए। तो क्लाइंट को मैंने बोला भी मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, आप किसी और को ले जाओ। लेकिन प्यार ही अपना इतना है, मौज मस्ती करते रहते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं आप ही चलोगे। तो जिस दिन मेरी ट्रेन थी अमृतसर से दिल्ली, तो मैं दिल्ली पहुँचा, लेकिन उस दिन सुबह सुबह उनको जोधपुर के लिए जाना था, तो वो तो सुबह सुबह ही चले गए जोधपुर। और फिर उन्होंने बोला नहीं आप ना आओ, आओ जैसे भी आओ, आप अगले दिन ट्रेन से आ जाओ। और कल तो मैं वापस ही आया था अमृतसर से दिल्ली, तो आज जोधपुर जा रहा हूँ ट्रेन से। लेकिन कल उन्होंने टिकट बुक करवाई, तो जो AC कोच था उसमें किसी में भी टिकट अवेलेबल नहीं थी, और फिर इसमें अवेलेबल मिली, तो मैंने कहा हाँ यार तो ऐसे ही करवा दो, मैं आ जाता हूँ। तो ये पूरी कहानी है इस कोच की। तो इस कोच में काफ़ी टाइम बाद मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो चलते हैं गाइस जोधपुर और देखते हैं आज का सफ़र कैसा होगा। अभी कोई स्टेशन आया गाइस, कौन सा स्टेशन है ये? लोहारू। ओके, तो अभी हम पहुंच गए जी लोहारू, और टाइम हो गए हैं जी 10:10। क्या बात है, 10:10। स्कूल नहीं जाता? क्यों? मन नहीं करता पढ़ने को, वैसे गाता है ट्रेन में। अच्छा कोई राजस्थानी सुना दे, अच्छा सा गाना, राजस्थानी की बढ़िया सा। राजस्थान में पंजाबी सुना दे। नहीं राजस्थान, राजस्थानी ना वे पंजाबी आवे सारे, तुम राजस्थान की नहीं हो? राजस्थान हो, राजस्थान सीखा नहीं गाना, सीखा नहीं, राजस्थानी गाना नहीं सीखा। तो कमाल है गाइस, राजस्थान का है, इतना अच्छा गा रहा है, लेकिन राजस्थानी नहीं आता, पंजाबी आता है, और बड़ा अच्छा सॉन्ग सुना रहा है। काफ़ी टाइम के बाद बैठा हूँ, मन करता है हाथ बाहर निकालो, लेकिन निकाल नहीं सकता क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ जम जाएंगे शायद। अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सीट तो मेरी वैसे ऊपर है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल बैठ गया हूँ,
अगर नींद आएगी तो ऊपर चला जाऊंगा, नहीं तो फिलहाल ये सीट तो मिली गई। राजस्थान के टिप्पे मुझे ना हर जगह खूबसूरत लगती है, चाहे मैं जंगल में चला जाऊं, बीहड़ में चला जाऊं, पहाड़ में चला जाऊं, मतलब खूबसूरती तो हर जगह है। मतलब नज़ारा बदल गया, आप देखो मकान भी है, ये रेत है और मतलब हल्के हल्के जंगल है, बेरी हैं और पीछे मकान है, सिटी है। और गाड़ी पता नहीं क्यों रुक गई, बीहड़ में रुक गई एकदम। और सपोज करो वहां से डाकू भागते हुए आ रहे, दगड़ 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 ऊपर घोड़े पे। वैसे वो जमाना चला गया, लेकिन पहले ऐसे होता था, ट्रेन कहीं भीड़ में रुक जाती थी तो डाकू आ जाते थे लूटने। क्या सही कर्व है ना, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना कर्व। और भीड़, राजस्थान का बीहड़। खिड़की अच्छी मिल गई है, बाहर जाने की जरूरत नहीं। रतनगढ़ स्टेशन आ गया, अभी रतनगढ़ पहुंच गए हैं और टाइम हो गया है गाइस 12:30। सफर स्लो चल रहा है लेकिन मजेदार। कभी इस सीट पे बैठ जाता हूँ, कभी सामने बैठ जाता हूँ, मजा आ रहा है बस। अच्छा सफर कट रहा है। दो बजने वाले हैं और हो गया लंच टाइम, और खाना मैं घर से पैक करवा के ले आया था। पता नहीं था स्टेशन पे कैसा मिलेगा कैसा नहीं, तो पहली बार इस रूट पे आ रहा था इसलिए घर से पैक करवा के लेके आया था। तो करते हैं लंच गाइस। गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और नींद भी आ रही हल्की। मन कर रहा था सोने को, तो मैं कहता हूँ सोई जाता हूँ। 3 बज गए गाइस, 3 घंटे हो गए। अभी मेरे को भूख लगी थी, मैं सोच रहा था कुछ ले लूँ, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, स्टेशन भी पता नहीं कौन सा है। वापस चलो ट्रेन में, कहीं ये भी छूट जाए। 6 बज चुके हैं और जोधपुर वही 33 किलोमीटर दूर है, और 6:10 पे पहुँचने का इसका टाइम था, लेकिन अभी 6:33 दिखा रहा है जो मैं ऐप पे देख रहा हूँ। तो जहाँ इतना टाइम बीत गया वहाँ 20 मिनट और सो। जोधपुर रह गया अभी सिर्फ 16 किलोमीटर, और जैसे जैसे जोधपुर पास में आ गया ना, और धीरे होती जा रही है, और मुझे भूख भी बड़ी लग रही है। स्टेशन पे उतर के सबसे पहले खाना खाएंगे, उसके बाद जाएंगे शूटिंग लोकेशन पर। सोचा था बाहर निकल के ना ट्रेन से सबसे पहले खाना खाऊंगा, लेकिन यहाँ सब बंद है, और अब लगता है बाहर निकल के कुछ खाना पड़ेगा। वो फुट ब्रिज से बाहर जाऊंगा, गेट एग्ज़िट लूंगा, तो फिर देखता हूँ कुछ खाने को मिलता है या नहीं। तो वो है जोधपुर का किला, ये है जोधपुर का किला। अब अंधेरा हो चुका है और एग्ज़िट ढूंढनी है। सब लोग इधर जा रहे हैं, मैं भी इधर ही निकल रहा हूँ वैसे, अब जाना कहाँ मुझे नहीं पता। एक समोसा चाय देना। समोसा ताज़ा नहीं लग रहा था, पैटी फिर भी ठीक लग रही है, तो चाय पट्टी ले रही। चाय मैंने पी ली है और एग्ज़िट आगे से भी अब जा रहे हैं वैसे, और अब लेता हूँ एग्ज़िट। तो बहुत टाइम बाद मैंने बिना एसी के रेल में सफ़र किया, बहुत लंबा 650 किलोमीटर। तो सोचा व्लॉग बना लूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना, और इस व्लॉग को यही एंड करता हूँ। बाय।